कर्ण एक धुरंधर और शूरवीर था, परंतु उसके मन में संतोष नहीं था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, परंतु अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी उदास होकर वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चला गया और समुद्र किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय में वह स्थान उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास स्थित है, जहां सूर्यदेव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। वह वहां तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे बहुत भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और भी अधिक बढ़ गई। कुछ सप्ताह तक साधना करने के बाद उसकी भूख ज्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह एक हिरण होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, लेकिन झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। इसे देख वह भयभीत हो उठा। आर्य गौ हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था। मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गाय इसके बदले में दे सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, बल्कि ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मुझे मेरी इस मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं एक बार फिर से तुझे श्राप देता हूँ, जिससे तुझे ये ज्ञात होगा कि जब हमें किसी से प्रेम या लगाव होता है तो उसकी हानि होने पर जीवन में जो उदासी छाती है उसका अनुभव कैसा होता है और उसका अर्थ तुझे पता चलेगा।